ये 30 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। एवरी IIT JEE स्टूडेंट मस्ट वॉच दिस ट्वाइस और थ्राइस। वेलकम टू अनदर स्टोरी विच वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम IIT कानपुर। वुड लाइक टू वेलकम सिद्धार्थ सचदेव। ही स्टडीज इन IIT कानपुर, सो दैट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो विद दैट सिद्धार्थ वेलकम, वी आर वेरी कीन टू लर्न फ्रॉम योर स्टोरी टुडे। And you know, please describe for the benefit of the kids, you know, who are preparing for IIT JEE now, that what kind of ups and downs you went through, what were the excitements and you know probably down times. So please. Sir, it was like when मैं 10th class में था, तो तब तक तो मुझे at least कोई idea नहीं था कि what is IIT और what is JEE. Okay. So मैं जिस ट्यूशन में जाता था, तो वहाँ पे मेरी मैथ्स टीचर थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा था कि सिद्धार्थ एक बार आप जेई वगैरह देना, लाइक यू कैन डू दैट, इट्स समथिंग विच यू कैन डू दैट। सो देन मैंने जाके सर्च वगैरह करा था कि ओके व्हाट इज IIT, व्हाट इज जेई एंड ऑल दैट स्टफ। सो 11th क्लास में मैंने एनरोल करा था, मेरे घर के पास में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है विद्यामंदिर क्लासेस में, लाइक NSP में है वो, तो मैंने वहाँ पे एनरोल करा था 11th क्लास में। तो वहाँ मेरा फिर फर्स्ट टेस्ट होता है, एंड वो सिर्फ ओनली टेस्ट था जिसमें मेरे 200 प्लस आए थे मेंस के अंदर। उसके बाद से लेके मेरे लास्ट जेई मेंस तक मेरे एक बार भी 200 प्लस क्रॉस नहीं करे थे जेई मेंस में। अच्छा, तो कैसा लग रहा था जब ऐसी सिचुएशन, यू नो, सो हाउ डू यू मैनूवर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? मतलब फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, जोश भी हाई था उस टाइम पे, क्योंकि इनिशियल फेज था वो, फर्स्ट टेस्ट था, तो काफी खुशी हुई थी कि ओके अच्छी रैंक आ गई, अच्छे मार्क्स आ गए। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरी रैंक कम, मेरी रैंक बेकार होती गई और मेरे मार्क्स भी कम होते गए। सो इनिशियली आई थॉट कि ओके अभी स्टार्टिंग है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, मतलब इनिशियली तो कम आते रहते हैं, तो इट्स नॉर्मल, मेरे को जस्ट अपनी मेहनत पूरी डालनी है एंड वो चीज़ इम्प्रूव कर जाएगी। बट टिल दी एंड वो कभी चीज़ इम्प्रूव ही नहीं करी एंड 200 प्लस कभी क्रॉस ही नहीं करे। ओके, तो इट वॉज लाइक कि ओके मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ बट स्टिल मेरे नंबर भी आ पा रहे। तो उस टाइम पीरियड से मैंने एक चीज सीखी कि जो हमारा हार्डवर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका मैग्नीट्यूड अच्छा, मेरा मैग्नीट्यूड तो अच्छा था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट मेरी डायरेक्शन गलत थी। मेरी डायरेक्शन ये गलत थी कि जैसे नोट्स हो गए, कोई चैप्टर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको नोट्स को याद कर लेता था एज कम्पेयर टू उसके नोट्स को समझना, मतलब उसको उस कंसेप्ट को समझने के बजाय मैं उस कंसेप्ट को याद कर लेता था। और ये चीज है जो बहुत बच्चे करते हैं मिस्टेक। एट दी एंड आपको कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में आपके याद करने वाली चीजें काम नहीं आने वाली, एडवांस में वही चीज काम आएंगी जो आपने समझी है। तो इसका फिर मुझे, मेरे से ही दिक्कत ये हुई थी कि मेरे को फिर 12th में ये चीज दोबारा फिर से समझनी पड़ी थी। तो इट वॉज लाइक पहले मैंने 11th में टाइम वेस्ट कर दिया अपने उस चीज को याद करने का, बट एट दी एंड मुझे वो चीज समझनी पड़ी थी 12th में, तो फिर मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लग गए थे। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, उसको समझो, उसके नोट्स को, ये नहीं कि ठीक है नोट्स को पढ़ लिया, और अपने आप को हम कभी कभी सेल्फ कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया ये तो आ गया। हाँ, बट एक गट फीलिंग आती है कि नहीं मुझे अभी ढंग से नहीं आता, ये एक गट फीलिंग अंदर से आ रही होती है उस चीज के बारे में। सो उस फीलिंग पे विश्वास करो एंड अपने टीचर से डाउट वगैरह पूछो अच्छे से जब तक वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता, बिकॉज एडजेंट आपको समझना ही है वो। राइट, आप लेट समझोगे 12th में जाके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, उससे बेटर है कि अभी 11th में टाइम में तभी समझ लो उस चीज को, तभी समझ लो। तो ये आई थिंक यू हैव गिवन अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो दिस होल प्रेपरेशन थिंग, एंड यू हैव टू सी द डायरेक्शन, यू नो यू हैव टू सी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू नो रादर देन क्रैमिंग। सो डाइव डीप इनटू द चैप्टर सब्जेक्ट एंड गेट द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? यस सर। और क्या ऐसी हाइलाइट्स जो आप, हाँ प्लीज गो अहेड सर। जैसे मेरे मार्क्स कम आते थे, बट देयर वाज समथिंग व्हिच पुश्ड मी कि नहीं मैं अभी और हार्डवर्क करूंगा। तो आई थिंक कि हर किसी की प्रिपरेशन का एक मस्ट होना चाहिए, लाइक मैं कह रहा हूँ कि ओके आई शुड वेक अप अर्ली, और मैं कह रहा हूँ कि आई मस्ट वेक अप अर्ली, दोनों में डिफरेंस है। या। तो जब तक आपका शुड एक मस्ट नहीं बनता, आपका नहीं हो सकता, मतलब वो काम कम्प्लीट ही नहीं हो सकता कभी भी। Excellent. तो अब जो चीज भी आप करते हो, आप उसके पीछे एक मस्ट ढूंढो, क्योंकि जब भी आपका लो टाइम होगा तो वो आपका मस्ट ही है जो आपको पुश करेगा। जेई की जर्नी, जेई की प्रिपरेशन कहने के लिए सिर्फ 10 लाख लोग देते हैं, बट असलियत में हमारा मेन कंपटीशन 1,50,000 बच्चों से होता है, बिकॉज बचे हुए 9.5 लाख बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, या तो वो गिव अप कर देंगे या फिर वो इनसिंसियर बन जाएंगे, दोनों में से कुछ एक होगा।
बिकॉज उनके पास वो मस्ट नहीं है, वो देखते हैं कि ओके बिल्कुल एक टफ टॉपिक आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया फिजिक्स का स्टार्टिंग में, वो गिव अप कर देंगे वहीं पे. उनको लगे कि ओके मेरे बस की बात नहीं है, एंड देन वो अपना बाकी जगह टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि बस अब टाइम पास के लिए कर रहे हैं जी, सिर्फ कहने के लिए हमें जी दे रहे हैं बट हम सीरियस नहीं है. सो सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया. आई थिंक यू नो शुड is not important, must is important. You know, you have to get into a strict discipline and productivity thought process. Excellent. आपका must ही है जो आपसे hard work करवाएगा. Basically, मतलब यही है कि low time में भी अगर आपको कोई चीज push करे तो आपका must ही होगा. तो उसको ढूंढो कि okay मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. Correct. ये ज़्यादा important चीज़ है. करेक्ट. सर यही था कि 11th की एंड तक तो यही था कि ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे मेरे, एंड मेरी 11th के ऑलमोस्ट जो मेन जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो टफ भी होते हैं वो मेरे क्लियर नहीं थे अच्छे से. तो अब ये चीज मुझे 12th में रियलाइज करी कि ऐसे काम तो नहीं बनने वाला, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा. ऐसे करूंगा तो पता नहीं कितनी रैंक आएगी मेरी, IIT तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा उसके. तो फिर ये चीज मैंने 12th में रियलाइज करी, एंड देन अब 12th में था कि ओके अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उन चीजों को ढंग से करना है जो मैंने 11th में गलतियां करी, एंड 12th से फ्रेश स्टार्ट करनी है. एंड जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे उनको टीचर से पूछना है, टीचर है ही इसी कारण. आप उनको परेशान करो कि नहीं सर आप मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो कभी मना नहीं करेंगे कभी भी. एंड एक टीचर ऐसे लो, आपके तीनों टीचर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एक टीचर को अपना मेंटोर बनो जिससे आप इन जनरल डाउट्स भी पूछ सकते हो, जिनसे आप सबसे अच्छे कनेक्ट कर पा रहे हो. जिनसे आपकी केमिस्ट्री मैच करिए, बॉन्डिंग अच्छी है, आप उनसे जनरल डाउट भी पूछ सकते हो कि सर डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ या ऐसी कोई प्रॉब्लम है. इन जनरल जो प्रॉब्लम्स होती है आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. करेक्ट. सो ये भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ सिद्धार्थ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया. इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कशंस, यू नो I keep telling people because I get a lot of pitch decks every day and I guide them, you know. So mentor ka hona bahut zaruri hai, ek acche mentor ka. That's a very good point which you have raised. Thank you. I'm sure, you know, audience would love it, you know. Yeah. Yes, sir. And then sir, for 12th mein tha ki okay, ab dheere dheere mere marks increase kar rahe hain. To wahan pe dheere dheere increase karne mere start ho chuke the marks. बट अभी भी मैं एक मिस्टेक करता था कि जो मैं टेस्ट देता था ना मैं उनका एनालिसिस नहीं करता था. एंड टेस्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो मुझे मेरे जे 12th के मिड में समझ में आई थी. 12th के मिड के जो बात का पोर्शन है मुझे तब जाके रियलाइज हिट करी थी बात कि ओके टेस्ट एनालिसिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो एंड अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो वो 3 घंटे वेस्ट है. लाइक फिर फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में भी फर्स्ट रैंक आ रही है बिकॉज आपका एनालिसिस ही नहीं करा. आप ऑलरेडी एक लेवल पे हो, उस टेस्ट से पहले आप एक लेवल पे हो, उस टेस्ट के बाद भी आप उसी लेवल पे ही हो अगर आपने एनालिसिस नहीं करा. आप उससे एक लेवल अप करोगे अगर आपने उसका एनालिसिस करा. आप देखोगे कि ओके मैंने इस जगह पे ये मिस्टेक करी, मैंने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, मैंने ये सिली मिस्टेक कौन सी करी, मैं क्वेश्चन को भूल गया, मतलब क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करा, मैं कोई फॉर्मूला भूल गया था या मेरे को कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया वो वाला. तो इस चीज को मैं लिखता था कि ओके मैंने स्पेशली अलग से कॉपी बना रखी थी इसके लिए, मैं उसमें लिखता था कि ओके क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये मिस्टेक करी, मतलब जो जो गलत है. क्वेश्चन नंबर 3 मेरा गलत है तो उसमें मैंने ये मिस्टेक करी, मेरे मार्क्स इतने हैं इसमें, मेरी रैंक इसमें इतनी आई. एंड एक चीज मैं और कहूंगा कि आपको अगर टेस्ट में कोई भी नया क्वेश्चन दिखता है ना कि ये नया क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से ट्रिक यूज कर रखी है, इसमें कोई अलग से कंसेप्ट यूज कर रखा है जो मैंने आज तक कभी पढ़े नहीं, तो उसको भी नोट डाउन कर लो. ऐसे करते करते मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 200+ क्वेश्चन बन चुके थे जब मैंने टेस्ट एनालिसिस शुरू करी और उससे लेके एंड तक. और मेरे जे मेंस का जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली फिजिक्स में उसी बुक में से आ गए जो मुझे याद भी थे क्योंकि उसका आप रिविजन भी करते रहे बार बार जो आपने नए क्वेश्चन लिखे. तो इट वाज लाइक कि वो इनऑर्गेनिक का नहीं होता कि देखते ही टिक करके आगे चले गए लेस देन 10 सेकंड्स वाला. तो मैंने वो फिजिक्स में मेरे 4-5 क्वेश्चन में हो गया था कि देखते ही टिक करके आगे चले गया मैं लेस देन 10 सेकंड्स में क्योंकि मुझे याद थे वो क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट मेरे टेस्ट एनालिसिस वाली कॉपी में से आ गए थे. अरे वाह, अरे वाह. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव रेज्ड इज यू नो एनालाइजिंग द टेस्ट रिजल्ट्स, यू नो मॉक टेस्ट. और बहुत सारे बच्चे ये चीज को भूल जाते हैं. सो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर करेक्ट. मेजरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेकिंग नोट्स बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाट यू सेड. यस, ब्यूटीफुल पॉइंट. या गो अहेड प्लीज. एंड देन मैं कहूँगा कि काफी बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते बट आई थिंक शॉर्ट नोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज होता क्या कि हमारे साथ ये आई डोंट नो हाउ बट ये फीलिंग होती है कि जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं बट स्टिल एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आ पाती. पेपर से पहले हमें फील होता है कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ ढंग से,
इनफैक्ट हमको पता था कि हम कर चुके हैं वो, बट स्टिल एक फीलिंग आती है कि ये ढंग से नहीं हुआ पेपर से जस्ट पहले. सो आई वुड से कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो हर टॉपिक के, एंड पेपर से जब भी पहले आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, बिकॉज शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने से सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होती है, एंड उसे फिर भैया कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है पेपर में. एंड देन कॉन्फिडेंस से आगे बात करें तो कॉन्फिडेंस पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एक बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन एक्स है और एक बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन एक्स बाय टू है या एक्स बाय थ्री है, बट लेकिन सेकंड वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस है उसका, तो इस चीज के काफी हाई चांसेस हैं कि वो सेकंड वाला बच्चा अच्छा स्कोर कर देगा 100% कंप्लीशन वाले बच्चे से, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस कम है. तो पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्फिडेंस कितनी देर तक, अगर आप पेपर के इनिशियल 30 मिनट्स को कॉन्कर कर लेते हो तो पूरा पेपर आपका है. इनिशियल 30 मिनट्स में आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको पता है कि हाँ ये अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा, मैं पेन उठाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करके पेन को रखूंगा मैं, और ये मेरे 100% कंप्लीट हो जाएगा. तो इससे आगे बात आती है कि काफी बच्चे पेपर में जाने से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ओके मैं पहले फिजिक्स करूंगा, मैं केमिस्ट्री करूंगा, मैं मैथ्स करूंगा. आई वुड से ऐसा मत करो, एक रफ आइडिया ले लो कि ओके मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, कि मेरा मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट कर सकता हूँ. बट आई वुड से कि ये रिजिड माइंडसेट साथ नहीं जाना कि एक रिजिडली हमने सोच लिया कि मैं पहले मैथ्स ही करूंगा. हो सकता है जिस शिफ्ट में आप जा रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो, उसमें मैथ्स सबसे टफ आ रखी है. आपने पहला क्वेश्चन करने गए नहीं हुआ, आपने कहा कि मैथ्स मेरी सबसे अच्छी थी, मेरे मैथ्स का पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब दूसरे पे कि दूसरा नहीं हो रहा, क्योंकि मैथ्स उस पेपर में सबसे टफ आ गई, बहुत ही ज्यादा टफ आ गई उस पेपर में. आपने ऐसे 4-5 क्वेश्चन करे बट आपको लगा कि ये मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा उस केस में, और इस केस में काफी हाई चांसेस है कि आपका पेपर बेकार जाएगा, बिकॉज इनिशियल 30 मिनट्स में ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया. और उस पेपर में फिजिक्स सबसे इजी आ रखी थी जो आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने गए, और फिजिक्स में इजी क्वेश्चन से जो आपसे आसानी से हो सकते थे वो आपसे इजी भी नहीं हो पाया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस कम हो चुका था आखिरी में आते आते, कुछ भी नहीं हो पा रहा मुझसे. बिल्कुल. सो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है स्कीमिंग स्ट्रैटेजी नाम से. स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में आप इनिशियली फाइव मिनट्स जो है अपने पेपर को देखो, आप सारे क्वेश्चन को फटाफट स्किप करके देखो कि ओके ये क्वेश्चन है, एक रफ आइडिया लग ही जाता है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है कि ये मेरे से हो जाएगा या नहीं हो पाएगा. करेक्ट. आप देखो फटाफट से फिजिक्स में आपने 10-15 क्वेश्चन देख लिया फटाफट से, सेम केमिस्ट्री में, सेम मैथ्स में, एंड देन जो आपको लगता है कि ठीक है मैं पहले कर लूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सब्जेक्ट है वो, आप उनको हाईलाइट करते जाओ. जी मेंस एंड एडवांस के जो होता है इंटरफेस, उसमें एक ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का, तो वहां पर आप हाईलाइट करते जाओ उनको कि ओके इसको मैं सबसे पहले करूंगा, इसको करूंगा, इनको करूंगा. तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपके फेवरेट हैं, जो आपको लगता है कि आपसे हो जाएंगे, आपने उनको कर लिया इनिशियल 30 मिनट्स या 1 आवर में, तो आपका कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट कर जाएगा. बिल्कुल. एंड देन काफी हाई चांसेस है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि आप टफ क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाओगे. एब्सोल्युटली. क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है. और इसके पीछे एक और रीजन है कि आपने मान लिया टफ क्वेश्चन देखा और आपने उसको स्किप कर दिया. अब आपने उसको देख लिया तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करना शुरू कर देगा. काफी बार ऐसा होता है ना कि हम एक क्वेश्चन को देखते हैं नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उस पर आते तो हो जाता है वो. हो जाता है. राइट राइट. आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सॉल्व करने लग जाता है. एंड देन कुछ देर तक आपके कॉन्शियस माइंड को हिंट देते हैं कि ओके इसको ऐसे कर सकते हैं. तो आप उसके बाद उसको जाओगे, आप देखोगे तो आप फिर आपसे हो जाएगा. बहुत बढ़िया. आई थिंक यू नो यू हैव रियली गॉन थ्रू लॉट ऑफ दीस थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन. रियली अप्रिशिएट. मुझे वो पायलट्स की स्टोरी याद आती है. दे से दैट यू नो व्हेन दे हैव टू फ्लाई प्लेन्स तो नीचे सब कुछ सीखते हैं, बट एज यू करेक्टली सेड दैट नंबर वन यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन यू विल फ्लाई द प्लेन को उड़ाओगे देन यू विल हैव रियल टाइम सिचुएशन विच विल बी डिफरेंट समटाइम्स. यू नो कभी हेडविंड होगी, कभी टेलविंड होगी, कभी बहुत ज्यादा वेदर खराब होगा. सो वहां पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू फ्लेक्स अ स्ट्रेटजी which helps you rather than you know losing confidence. तो बहुत अच्छा point सिद्धार्थ, I really appreciate that. Yeah. Sir, जो confidence है वो एक exam temperament का part है. अब majority बच्चे जो exam temperament को ignore कर देते हैं. Exam temperament but बहुत ज़्यादा important है. Exam temperament को like काफी बार होता है कि हमारे से घर में तो question solve हो जाते हैं, but exam में जाके नहीं हो पाते. बहुत बच्चे साथ mistake होती है, मेरे साथ भी बहुत होती थी. तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर जाता है. तो मैंने नेट वगैरह पे सर्च करा था इसके बारे में, तो ब्रेन फॉग की एक प्रॉब्लम होती है. एंड ब्रेन फॉग को ये मुझे बहुत दिक्कत होती है. एंड ब्रेन फॉग को इम्प्रूव करने का एक मेथड है, आप एक्सरसाइज करो हर रोज. इनिशियली मैं नहीं करता था, ये मेरी मिस्टेक थी एक.
बट जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई तो मैंने फिर करनी स्टार्ट कर दी थी एंड इवेंचुअली ये चीज इंप्रूव भी हुई थी। ब्रेन फॉग मेरी धीरे धीरे मेरे लास्ट मेंस के अटेम्प्ट तक, मेरे एडवांस के पेपर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी थी। ठीक है, मैं हाई प्रेशर सिचुएशन में भी अपने आप को सोच पा रहा हूँ, बिकॉज एडवांस का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन है। हाई प्रेशर, जो बच्चे पहली बार जैसे जेई देंगे तो उन्होंने हो सकता है टेंथ बोर्ड का एक प्रेशर फेस करो, जो 2022 वाले देंगे या 2023 वाले देंगे जब आएगा, तो जो आपका बोर्ड्स का प्रेशर है वो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू जब एडवांस में प्रेशर फेल करोगे फील करोगे। बिकॉज पहला रीजन एडवांस का एक पेपर होता है जिसके लिए 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो एक हाइप क्रिएट कर हो रखी होती है उसके लिए, या फाइनली वो आ रहा है फाइनल पेपर जिसके लिए मैंने 2-3 साल से तैयारी करी थी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके कारण बहुत ज्यादा डर एक क्रिएट हो रखा होता है। एंड एडवांस का पेपर टफ बहुत ज्यादा होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वो, तो वो बहुत ज्यादा माइंड को भी एग्जॉस्ट कर देता है, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। और होते भी 2 पेपर है और जनरली वो होता भी समर्स के टाइम पे ही है। समर्स के टाइम में एक एक्स्ट्रा लाइक चेरी ऑन द टॉप है जो हमारे प्रेशर को इंक्रीज ही कर देती है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो उसके लिए अपने आप को हाई प्रेशर सिचुएशन में कंट्रोल करके रखना, काम करके रखना और अपने मेंटल स्टेट को उसी लेवल पे रखना और उसको मतलब अपने दिमाग को मतलब काम रखना बेसिकली, जिससे कि वो ढंग से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाई प्रेशर में अपने आप को काम रखना, क्योंकि अगर ये चीज सीख गए यू नो लाइफ में, सो सी मोस्ट ऑफ द लीडर्स पर्टिकुलरली बिजनेस लीडर्स एंड दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल, दे हैव दिस ट्रेट यू नो कि बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन में भी दे आर एबल टू कीप द सेंस गोइंग एंड दे प्रिवेल थ्रू द सिचुएशन विद यू नो बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज। सो अगर आप इस चीज को यहाँ पे भी कॉन्कर कर रहे हो, so you know that will help you later also in the career, so that's a very good yes, point sir. Yeah. बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जेई की चीज आपको जेई की जर्नी आपको सिखाती है एंड वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है एंड देन वो आगे जाके आपके करियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक बात होगी हाई प्रेशर सिचुएशन में काम रहने वाली एंड परफॉर्म करने वाली अच्छे से, एक होगी कि आपका कुछ भी वर्क आउट नहीं कर रहा है जैसे स्टार्टअप्स के इनिशियल फेजेस में होता है, एंड सेम चीज आपकी जेई के इनिशियल फेज में भी है, आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा चीज, आप मेहनत तो पूरी करो बट स्टिल आपके नंबर नहीं आ पा रहे, बट स्टिल एक चीज है जो आपको पुश कर रही है एंड सेम चीज स्टार्टअप्स में भी होती है, वो एक आपका पैशन होता है जो आपको पुश करते कि नहीं आई विल स्टिल वर्क, आई विल स्टिल वर्क हार्डर। सेम जेई के केस में भी है, मेरे मैं मेहनत करूं नंबर नहीं आ रहे बट नाउ आई विल स्टिल वर्क हार्डर एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आप अपने गोल की तरफ पहुंच ही जाओगे, सेम स्टार्टअप में और सेम जेई में आप आईआईटी पहुंच जाओगे। तो जेई लिटरली बहुत ज्यादा लाइक लाइफ के लेसन आपको सिखा देती है। अच्छा एक चीज और पूछनी सिद्धार्थ आपसे, कि वो होता है ना जो जंग के मैदान में जो योद्धा होते हैं ना, वो बहुत बार घोड़े से गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, यू नो बहुत बार वार खाते हैं, सीने पे वार खाते हैं और फिर चलते हैं, तो ऐसा भी क्या हुआ आपकी जर्नी में, ऐसा कुछ हुआ विच यू फील कि आप फिर से उठे, आप बहुत गिरे? बिकॉज एवरीवन गोज थ्रू दैट एंड आई एम श्योर यू नो स्टूडेंट्स वुड लव टू लिसन टू दैट। सर मेरे कभी भी ना अच्छे नंबर आते नहीं थे मॉक एग्जाम में, मेरे 12th एंड तक मेरी जो इंस्टीट्यूट की रैंक थी वो बहुत बेकार होती थी। मैंने जो एलन इंस्टीट्यूट है उसके ऑनलाइन एक फ्री होता है, एक उनका इंटरफेस है टेस्ट वाला, वहाँ पे कुछ फ्री एग्जाम्स भी हैं, मैंने वहाँ पे कुछ एग्जाम दिए थे एंड ऐसे केसेज आ रखे हैं कि उस एग्जाम में मेरी 35,000 के भी बाहर रैंक आ रखी है। अच्छा। तो और ऐसा बहुत बार हो रखा है, लाइक ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार हुआ या एक दो बार गलती से हो गया, मेरे ऑलमोस्ट जेई की 90% जर्नी ऐसी गई है, मेरे मार्क्स नहीं आते अच्छे। मतलब कोई भी मेरे उस 90% वाले एग्जाम के रिजल्ट को देखेगा, कोई नहीं कह सकता कि इसका आईआईटी में हो सकता है, इसका मेंस में एक डिसेंट सी रैंक आ सकती है। इतने बेकार परफॉर्मेंस भी होती थी मेरे बीच में। मेरे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से लाइक जस्ट 1 वीक पहले मेरे 300 में से 90 मार्क्स आ गए थे एक प्रीवियस ईयर में। तो वो मतलब आपके 1 वीक पहले 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स में तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती कई शिफ्ट्स में जो इजी शिफ्ट आ जाती है। तो फिर तो मैं आई रियली अप्रिशिएट वो बहुत ज्यादा माइंड एंड यू नो द विनिंग थॉट व्हिच यू हैड व्हिच केप्ट यू गोइंग टिल लास्ट मोमेंट, यू नो एक्सीलेंट एक्सीलेंट एग्जांपल, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड लव टू लिसन दिस। सर वही है जैसे महाभारत के टाइम पे मेरे फादर ने मुझे चीज कही थी कि महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी अर्जुन को यही कहते हैं कि आप कर्म करो, आप कभी भी फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल संस्कृत का एक प्रॉपर कोट है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा,
बट या एक चीज होती थी कि आप कर्म करो कभी फल की इच्छा मत करो। अगर आपको अपने पर विश्वास है कि हाँ मैंने हार्डवर्क पूरा करा है, अगर आपको पता है कि हाँ आप अपने आप से लाइक ईमानदार हो आप अपने आप से कि हाँ मैंने हार्डवर्क पूरा करा है, मैंने अच्छे से हार्डवर्क करा है, तो एक ऐसी एनर्जी है जो आपका एक अपने रजिस्टर में सारा हार्डवर्क लिखी जा रही है। हो सकता है आपको इमिडिएटली रिजल्ट ना मिले बट आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस चीज की गारंटी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यू नो ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू पॉज हियर एंड यू नो सो मैं एक्चुअली उन बच्चों से भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत तैयारी करने के बाद भी कई बार होता है कि उनको अपने मतलब की स्ट्रीम नहीं मिलती या अपने मतलब का कॉलेज नहीं मिलता, कई बार IIT नहीं मिलता बट उनको कुछ और मिलता है। सो जैसे आपने बोला ना कि वो रजिस्टर मेंटेन रहता है कहीं ना कहीं भगवान के दरबार में, यू नो कि आपने जो मेहनत करी है ना वो कहीं जाके आपको रंग देने वाली है। तो कभी गिव अप ना करो, यू नो नेवर हैव दैट डाउन फीलिंग कि यार मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड हैज सम पाथ डेस्टाइंड फॉर यू, आप अपने उस रजिस्टर में अपने एफर्ट को दर्ज करवाते जाओ। बहुत अच्छा बोला आपने सिद्धार्थ, रियली गुड वन। एंड सर जैसे हम देखते हैं कि IIT में किसी ने बहुत बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर दिया, बहुत सारे IIT हैं जिन्होंने स्टार्टअप क्रिएट कर दिया, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी जॉब्स लग रखी हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? उनमें ये क्वालिटीज उनके JEE के टाइम पे आ गई एंड देन वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रही। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने मेहनत तो करी है लेकिन स्टिल उसका अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, सो आई थिंक इट डजंट मैटर कि अगर उसने हार्डवर्क कर रखा है, अगर आपका अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ बट आप अपने आपको पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया और आपने हार्डवर्क पूरा करा, तो आई थिंक इट डजंट मैटर एट द एंड, बिकॉज वो क्वालिटीज अब आप में भी है और आपका करियर आपके कॉलेज से डिसाइड नहीं होता, आपके स्किल्स एंड आप में कितना जुनून है उस चीज को करने के लिए उस चीज से डिसाइड होता है। एंड आपने JEE के टाइम पे हार्डवर्क कर लिया तो वो चीज आपके अंदर आ चुकी है, सो आपके कॉलेज मतलब फिर इट डजंट मैटर मच उस केस में। IIT भी जो है वो IIT के बच्चों के कारण IIT बना है। बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। एंड मतलब ये था फिर मेरे मेंस का फर्स्ट टर्म आता है उसमें मेरे 300 में से 120 एंड देन मेरा फेब का अटेम्प्ट आता है फर्स्ट वाला उसमें मेरे 300 में से 127 मार्क्स आते हैं एंड 96.3% आती है मेरी। तो अब उस चीज से मैंने देखा कि मैंने कहां-कहां पे मिस्टेक्स कर रखी हैं। और यहां से अगला पॉइंट आता है कि मैंने रिवीजन ढंग से नहीं करी थी अपने जनवरी के पीरियड में। मैंने जनवरी के पीरियड में अपने मैथ्स के लिए एक नई बुक उठा ली थी। अच्छा। बिल्कुल न्यू बुक। सो मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट अपने पेपर से 2-3 महीने पहले अब कोई न्यू बुक मत उठाना, ये मिस्टेक मैंने करी थी। और उसका रिजल्ट मैंने देख लिया था, मेरी मैथ्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में 80% आई थी, मैथ्स में 80% आई, बहुत बेकार होती है, बहुत ही ज्यादा बेकार होती है वो तो। एंड मैंने मैथ्स के लिए नई बुक उठाई थी तो उसका रिजल्ट मुझे मैथ्स में दिख गया था कि क्या हुआ उसका, बिकॉज आपने जो पहले से क्वेश्चन कर रखे होते हैं आपका कंसेप्ट उसी क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन आपके फाउंडेशन है। अगर आप अपने फाउंडेशन को आपने रिफाइन नहीं करा तो आप उसके ऊपर जो कर रहे हो वो किसी काम की चीज नहीं है। हाँ मतलब वहां पे रिसर्च करने ना बैठो, यू नो वो टाइम वो नहीं है, वो टाइम है कि स्टे शार्प ऑन योर गोल एंड यू नो डिविजन योरसेल्फ एंड वेस्ट योर टाइम पर्टिकुलरली विद न्यू बुक। और बहुत बढ़िया। सो पेपर से 2-3 महीने, हाँ प्लीज गो अहेड, या गो अहेड। मैं ये कहते कि पेपर से 2-3 महीने पहले जस्ट अपनी जो आपने ऑलरेडी बुक सॉल्व कर रखी है, जो आपने अपने 2 इयर्स की प्रिपरेशन में जो सॉल्व करी थी एंड उसमें आपने जो क्वेश्चन को मार्क कर रखे कि ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे से अपने JEE के टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं हो पाया था, उनको प्लस अपने PYQs को सिर्फ इनको सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2-3 महीने पहले कोई नई बुक करके आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा होने भी नहीं वाला, होने नहीं वाला। राइट राइट राइट। सिद्धार्थ एक चीज और, वी वुड लाइक टू हियर अबाउट योर फैमिली सपोर्ट सिस्टम, यू नो कि कैसा था, यू नो बिकॉज दैट इज समथिंग आल्सो व्हिच इंपैक्ट्स क्वाइट अ बिट। यस सर। सो सर फैमिली से 100% सपोर्ट मिला था एंड अच्छी बात यह कि किसी का भी कभी भी प्रेशर नहीं आया कि तेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। इनफैक्ट किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं करा था कि तू ये इंजीनियरिंग करे या JEE दे, ये मेरा खुद का डिसीजन था। अच्छा गुड। एंड सबने रिस्पेक्ट भी करी इस चीज की एंड किसी ने फोर्स नहीं करा कि तू ये काम कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा या तेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। बिकॉज होता है कि काफी बच्चों के पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे अच्छे, क्यों नहीं आ रहे। करेक्ट एब्सोल्युटली। वो उसके शूज में आके एक बार देखो कि उस बेचारे पे ऑलरेडी कितना प्रेशर आ रखा है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, वो कितने ज्यादा एंग्जाइटी में है इस टाइम पे, वो आपके बोलने के कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है, जो चीज उसको लाइफ लॉन्ग, जो उसके लाइफ लॉन्ग तक उसके साथ रह सकती है, मतलब इफेक्ट कर सकती है उसके मेंटल वेलबीइंग पे। तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ जी। और आपके आसपास और भी IITian थे फैमिली में है या यू नो यू आर? नहीं सर, फर्स्ट फर्स्ट। सो यू आर फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली, सो दैट्स अनदर अचीवमेंट आई एम श्योर, यू नो योर फैक्ट इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग में भी सारे नहीं थे, बहुत दूर तक इंजीनियरिंग में कोई नहीं था, मेरे फादर ने इंजीनियरिंग कर रखी थी बस, पूरी फैमिली में भी। थोड़ा सा आइडिया आई थिंक स्टूडेंट्स आपकी रैंक के बारे में भी लेना चाहेंगे कि मेंस में कैसा रैंक रहा, एडवांस में कैसा रहा। सर मेंस में मेरी थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरा, उस वो मेरी बेस्ट परसेंटाइल थी 98.7 okay. एंड उसमें मेरी मेंस की रैंक आई थी 12931 12931 ओके। एंड देन एडवांस में मेरे मार्क्स थे 137 आउट ऑफ 361 का था शायद से पेपर ओके जहां तक मुझे याद है, एंड उसमें मेरी रैंक थी 5939 एडवांस में। 5939 यस सर, सो अमेजिंग, आई थिंक दैट्स अ बिग इंप्रूवमेंट। आप कहां मेन yes, और कहां 12th तक आप, बट आपने दिल नहीं छोड़ा और आपने बल्कि yes, अपनी गेम को अप कर दिया, यू नो जब लास्ट लैप ऑफ द रेस था। सो दिस इज वर्थ रियली सेलिब्रेटिंग सिद्धार्थ, क्योंकि yes, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो लास्ट लैप में स्लो हो जाते हैं। आपने एज ए गुड स्प्रिंटर यू नो लास्ट लैप में, मतलब हमारे वो बोलते हैं ना अपने नॉर्थ में फट्टे चक दिए यू नो पंजाब में, आपने लास्ट लैप में फट्टे चक दिए, यू नो दैट्स रियली ऑसम, यू नो रियली गुड टू नो, रियली गुड टू नो। इनफैक्ट मेरे जो मेरे 137 मार्क्स पे आए थे 361 में से, वो 100 प्लस स्कोर है। मेरे जो इंस्टीट्यूट के जितने भी एडवांस के पेपर होते थे, मेरे 100 प्लस कभी स्कोर क्रॉस ही नहीं करा, दोनों पेपर को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो, पेपर 1 पेपर 2 ऐड करके भी मेरे 100 प्लस क्रॉस नहीं करते थे। एंड फाइनली जो बिल्कुल लास्ट पेपर था जो असली में मैटर भी करता है, उसमें 100 प्लस क्रॉस कर गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, आप बस उसका एनालिसिस करो एंड कभी भी हार्डवर्क नहीं छोड़ना अपना, एनालिसिस करते जो हार्डवर्क करते जो एक दिन रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। तो सिद्धार्थ आपको मेंटली टफ किसने बनाया, इतना मैं जानना चाहता हूं, यू नो यू आर मेंटली रियली टफ, यू नो कैसे? कुछ तो मतलब कुछ पार्ट है कि अपने आप, मतलब ऑलरेडी नेचर ही ऐसा है। कुछ ऐसे कि मैं 10th क्लास में ना मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस बहुत ज्यादा देखता था, मतलब मेरे को पसंद थी वो चीजें देखना। 10th क्लास में मैंने एक साल बहुत देखी वो चीजें, मोटिवेशनल वीडियोस, मूवीज, कोट्स बहुत पढ़ता था मैं, बहुत ज्यादा पढ़ता था कोट्स। मेरे पास लाइक 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड हो रखी थी और दिन के 1-2 घंटे में उन कोर्स को ही पढ़ी जा रहा हूँ, नेट पे पढ़ी जा रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो आई थिंक वहां से बहुत ज्यादा एक इफेक्ट पड़ा था 10th क्लास में मेरी। 10th क्लास वो पीरियड था जिसने मुझे मेंटली काफी स्ट्रांग कर दिया था। राइट 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 राइट। सो और क्या हॉबीज वगैरह क्या है, यू नो डू यू डू स्पोर्ट्स और डू यू डू समथिंग एल्स आल्सो? मतलब मैं 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक स्कूल के लिए क्रिकेट टीम में था एंड जोनल लेवल पे खेलता था। Wow. Then, उसके बाद 9th क्लास में फिर मैंने छोड़ दिया था एजुकेशन वगैरह के कारण। एंड उसके बाद ऐसा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है फिर किसी स्पोर्ट्स में। मैं ऑनलाइन चेस खेलता था बट अच्छा, अपने फ्रेंड्स का, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए उनके साथ मैं ऑनलाइन चेस खेलता था। तो क्रिकेट में क्या, बॉलिंग की, बैटिंग की, कीपिंग? सर फास्ट बॉलर राइट, फास्ट बॉलर। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी आपको वो मेंटल टफनेस है, आई थिंक यू नो ये वाला एटीट्यूड ज्यादा जरूरी है लाइफ में विन करने के लिए, बिकॉज यू नो यू गो थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो थॉट्स। जब बॉल पे पड़ता है छक्का चौका, तो उसके बाद अपना मेंटल बैलेंस रखते हुए फिर आगे विकेट डालने की कोशिश करना। सो आपने मुझे भी याद दिलवा दी अपने कॉलेज के दिनों की, आई वाज इन कॉलेज टीम, बट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एनीथिंग एल्स यू थिंक? या जो भी जेई के बच्चे हैं अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे मत आना किसी भी, एटलीस्ट जब तक जेई खत्म नहीं होता। सॉरी, मैं भी अपने 12th के जेई के बाद ही मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह अपना स्टार्ट करा था। सॉरी। तो वही है कि क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे फिर वही आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। वहाँ पे क्या कि काफी लोगों ने अपने फेक लाइफस्टाइल दिखा रखी है। करेक्ट। तो बच्चे उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ओके मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सेम एज के बच्चे हैं जो इतने इतने लग्जरीज में जी रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उसके वो सब फेक है जो वो दिखा रहे हैं। वो सब फेक है, वो दिखावा है। मैं यहाँ बैठ के अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, हो सकता है यू नो आई हैव अदर थिंग्स इन लाइफ यू नो व्हिच आई एम नॉट शोइंग राइट नाउ, सेम विद यू, यू नो एवरीबॉडी हैज प्लसेस एंड माइनसेस एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विल ओनली शो यू यू नो द फसाद, बाहर की चीज। सो डोंट गो विद दैट यू नो, एंड आई एम श्योर डोंट यूज फेसबुक इंस्टाग्राम टिल द टाइम आप अपना मेन प्रिपरेशन वाले एरिया में हो। सो डोंट वेस्ट टाइम, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में। सो
अब क्या चल रहा है? जब कॉलेज मिल गया, अब दिमाग में क्या चल रहा है? सर मेन रीजन जिसके लिए मैंने आईआईटीज को चूज कर रहा था कि उस जो स्टार्टअप कल्चर आईआईटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक वो कंपैरिजन में बाकी कॉलेजेस के उतना नहीं आ पाता, बट आईआईटीज का अलग ही लेवल पे होता है वो चीज़। तो ये मेरा मस्त था आईआईटी जाने का, ये मेरा मस्त था आईआईटी जाने का। हर किसी के लिए अपना अपना एक अलग मस्त है। किसी को हो सकता है अच्छी जॉब चाहिए हो, किसी को हो सकता है कि किसी के कई लोगों को वैसे ही शौक होता है कि हमें इस कॉलेज में आना है, तो उनके लिए वो मस्त चीज़ बन गई है, उनके लिए उनका मस्त है। तो सबको अपना अपना मस्त ढूंढना है, मतलब एक चीज़ ये है। एंड देन कॉलेज में आके यही है कि अब ये सोचा कि स्टार्टअप वगैरह की फील्ड में जाना है। सो वेलकम. आई मीन, रियली वी गॉट कनेक्टेड ऑन दैट पॉइंट. आई एम सेइंग वेलकम बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू ऑन्टरप्रनोरशिप. आई एम माई सेल्फ, आई हैव बीन अ बायोटेक ऑन्टरप्रनोर एंड नाउ देन आई हैड इन्वेस्टर्स इन माई कंपनी, देन आई सोल्ड माई कंपनी एज वेल. नाउ आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ स्टार्टअप फॉर फंड रेजिंग, मेंटोरिंग, वैल्यू क्रिएशन. सो आई वुड बी सर रियली हैप्पी कीन टू वर्क विद यू. आप ब्रांच भी जी बता दो बच्चों को, आपने कौन सी चूज की और आपका सर पैशन किधर है. ब्रांच एक चीज है, बट कैसा पैशन है? वेयर डू यू रियली वॉन्ट टू सो ड्राइव माय योर? ब्रांचेस बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। ओके. हो सकता है इस फील्ड में भी मैं स्टार्टअप में जाऊं, बट मैं सोचता हूँ कि फाइनेंस में भी मैं जा सकता हूँ। मुझे फाइनेंस जो फिनटेक स्टार्टअप होते हैं वो भी काफी अच्छे लगते हैं, मेरे ओके. उस फील्ड में भी इंटरेस्ट है थोड़ा। एंड जस्ट टू मेंशन, जो जो फाइनेंस एंड कॉमर्स और ये सारे हैं ना, इवन बायोटेक स्टार्टअप्स पे, इवन किसी भी फील्ड में, सो टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड अदर फील्ड इज ऑलवेज अ ब्लॉकबस्टर चॉइस. सो आई थिंक यस सर, देयर ऑल्सो यू कैन गेट इन टू दैट. मेरे सीनियर से बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की एक चीज़ होती है विच इन्वॉल्व्स बेसिकली बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इसका एक एब्सोल्युटली मिक्स कॉम्बिनेशन है। एब्सोल्युटली. इनफैक्ट इनफैक्ट एक जिनकी 2000 के ईयर में AIR1 आई थी, मतलब मुझे सीरन ने बताया था मुझे चीज़, वो भी IIT कानपुर के CS में एक प्रोफेसर है। इनफैक्ट वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। IIT कानपुर में ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेसर किसी ना किसी वे में बायोलॉजी से इन्वॉल्व जरूर है। किसी ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च कर रखी है अपनी, कोई अगर कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है, तो हर वे में कोई ना कोई केमिकल इंजीनियर है। वो जो हमारे बायोलॉजी में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, हमारी बॉडी में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो उन्होंने उस वे में उस मेथड उस पर्टिकुलर चीज में रिसर्च कर रखी है। तो कोई ना कोई ऑलमोस्ट बायोलॉजी से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड जरूर है। बट बिल्कुल. देखो, बायोलॉजी एक्चुअली नीडेड लॉट ऑफ आईटी टू हैपन, यस सर, बिकॉज अर्थ के ऊपर मान लीजिए 7 बिलियन प्लस लोग हैं, और 7 बिलियन प्लस लोगों का डेटा सीक्वेंस होना है, जीनोमिक्स सीक्वेंस होना है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनना है. हमारे सेल के अंदर इतने मॉलिक्यूल का ट्रैफिक है ना, उसको उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैप करने के लिए, सो वी नीड वेरी हाई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आप देखोगे कि कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में आज 50% जो स्टार्टअप्स जो उनका इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज इनटू हेल्थ केयर, वियरेबल डिवाइसेस एंड दिस एंड दैट. सिमिलरली बिल गेट्स कीप टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, वायरसेस एंड वैक्सीन एंड यस ऑल. सर, सो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आईटी की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कॉमर्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. सो एनी फील्ड, एनी फील्ड, इफ यू आर शार्प, इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी इमेंसली सक्सेसफुल. यस सर। आईआईटी का एनी इनफैक्ट अदर? ये हाँ जैसे मैं बोलिए. ये कहते कि आईआईटी में इनफैक्ट ये एक अच्छा एडवांटेज है कि आप किसी भी चीज़ में शिफ्ट कर सकते हो बहुत इजीली। एक एक केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर का बच्चा एक CS ग्रेजुएट को भी पीछे छोड़ सकता है कोडिंग में, अगर वो अच्छे से सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। तो ये एक एब्सोल्युटली आईआईटी का बहुत अच्छा फायदा है कि हर चीज़ का एक अच्छा कल्चर बन रखा है। आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो, आप उसके एक स्पेशल क्लब्स बन रखे हैं। एंड अगर आपके क्लब नहीं बन रखे तो आप अपना खुद से भी क्लब क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है अथॉरिटीज से। राइट, तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को मोटिवेट करनी चाहिए IIT में आने के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और एक पॉइंट और पूछना चाहता हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आईआईटी ना होता तो आपका क्या होता? डिड यू हैव यू थॉट अबाउट दैट स्ट्रैटेजी और प्लान बी और सी प्लान? आपने सोचे हुए थे?
कि बाई चांस मतलब, नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, बट दुनिया खत्म नहीं होती वहां पे. सो क्या यू नो व्हाट वाज योर प्लान देन? सिंस आईआईटी एक अच्छा कॉलेज है तो मतलब उस केस में ये था कि मैं फिर डीटीयू में कंप्यूटर साइंस में चला जाता, बिकॉज मेरे लिए लाइक मेरी रैंक मेरी जहाँ मैं रहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था डीटीयू की कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच जो है डीटीयू की. तो मेरा वो सेकंड ऑप्शन था कि मैंने उस जगह पे जाना. अच्छा, वंडरफुल. सो आई थिंक यू हैड योर प्लान बी आल्सो वेरी क्लियर इन माइंड. एक्सेलेंट. So I think we had a very wonderful discussion. Yes, any point, yes, Siddharth, you feel have been left out, जो आप बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं, you know, you talked about direction, you talked about analysis, you talked about hard work, consistency, बहुत अच्छे-अच्छे points. I think you know, I'm sure kids will love that. And I will also request, you know, if kids can follow his channel, because, you know, that's where he will keep expressing his thought process. Yes, sir. And me and Siddharth will also do a couple of more sessions, you know, probably next time it would be more on the startups in biotech or fintech or, you know, entrepreneurship. But this was a really wonderful interaction, I think we had. Yes, sir. From my side, yes, sir. Yeah, and let's stay connected and keep serving our audience. Yes, sir. Thank you very much for your time. Really thank appreciate you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Siddharth. Bye. Bye, sir.